दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 20 क्रॉस, दोस्तों आज हम बात करने वाले 15 क्रॉस 20 के हाउस प्लान की। जैसा कि आपने स्क्रीन पर हमारा थंबनेल देखा होगा, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे और जिसका साइज है 15 क्रॉस 20। ये कॉर्नर का प्लॉट है, हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उनके कहने पर ये डिज़ाइन किया, बहुत ही बेहतरीन प्लान है। और कॉर्नर पर मैंने यहाँ पर एक शॉप दी है, आप उसे एज ए बेडरूम भी यूज कर सकते हैं अगर आपका कॉर्नर का प्लॉट नहीं है। अगर आपका कॉर्नर का प्लॉट है तो आप उसे अगर दुकान करना चाहते हैं अपने घर पे, तो आप उसे दुकान के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो रिक्वायरमेंट थी वो एक दुकान की थी, क्योंकि कॉर्नर का प्लॉट था, तो उसी के कहने पर मैंने इस मॉडल को डिज़ाइन किया, हमारे एक सब्सक्राइबर थे उनके कहने पर। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे, 15 क्रॉस 20 का हाउस प्लान, जो कि बेहद ही खास है। चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन दबाएं, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप देख सकें। और मैं आपको एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, अगर आप हमारी पेड सर्विस का यूज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप कोई भी स्कूल, रेस्टोरेंट, घर या कुछ भी डिज़ाइन करवा सकते हैं, वो बशर्ते आपको पेड यूजर होगा। आप जैसे मुझे कॉन्टेक्ट करेंगे, क्योंकि रिस्पॉन्स मिलेगा और आपसे फ़ोन पर बातचीत की जाएगी, जिसके माध्यम से आप किसी भी टाइप का 2D और 3D मैप प्रॉपर तरीके से बनवा सकते हैं। तो चलो आज का मॉडल जो 15 क्रॉस 20 का है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। जो आज हम डिस्कस करेंगे 15 क्रॉस 20 का, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, और मैंने यहाँ पर जो आपको ग्राउंड दिख रहा होगा तो ब्लैक कलर का रखा है, और ये यहाँ पर दो ट्री लगे हुए हैं, और फ्रंट से आपका रोड है और साइड में इधर भी रोड है। तो इसी को आज हम डिस्कस करेंगे, 15 क्रॉस 20 का हाउस प्लान। तो जैसा कि मैंने सारा डिस्क्रिप्शन इसका बता दिया ऑलरेडी, तो सबसे पहले इसके हम चलते हैं ग्राउंड फ्लोर पर। ये इसका ग्राउंड फ्लोर है, ये आप देख सकते हैं। मैं अगर ट्री यहाँ से रिमूव कर दूँ तब आपको थोड़ा अच्छा दिखेगा, तो चलो मैं यहाँ से ट्री हटा देता हूँ। ट्री हटा दिया तो यहाँ से मैक्सिमम जूम होता है, आपका मैक्सिमम जूम हो जाता है तो आपको एक एक चीज़ फ्रंट से बिल्कुल रियलिस्टिक व्यू दिखने वाला होता है। तो ये देखिए इसका फ्रंट है, और ये यहाँ पर दो आपके पिलर हैं जो कि राउंडेड हैं, और यहाँ पर ये आपका एक शॉप है तो उसके लिए फ्रंट से विंडो दिया है। अगर आपका देखिए फ्रंट में रोड है तो आप फ्रंट से रोड रखें, अगर साइड से भी रोड है तो आप इस शॉप के लिए यहाँ से भी शटर लगा सकते हैं और यह अपना गेट लगा सकते हैं, यह आप पर डिपेंड करता है। हालाँकि मैंने ये फ्रंट में ही सिर्फ रोड है उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया, लेकिन अगर मैं बता दूं जो अगर साइड में रोड है तो आप यहाँ विंडो या डोर दे सकते हैं। तो ये तो इसका फ्रंट लुक हो गया, विंडो हो गया, ये टेक्सचर हो गया, ये बीम है, ये आपके पोल हैं। और जैसे आप एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको स्टेयर्स मिल जाती जो कि एल साइज की है, अंदर से आएगी, अंदर से आप होना पड़ेगा, आपको चढ़ना पड़ेगा और फिर से जाकर वहीं पर थोड़ा टर्न होकर आपको ऊपर ले जाएगा। तो ये इसका फ्रंट जो डोर, इसको आप बेडरूम एज आ इस्तेमाल कर सकते हैं या आप इसे अपना एज आ शॉप भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप बनाना चाहते हैं शॉप। और अगर हम बात करें लास्ट में, तो आपका एक बड़ा सा बेडरूम, उसी में आपका एक ये लेटरिन और बाथरूम दोस्तों एक कम्बाइंड मैंने दिया है, और ये आपका एक किचन का एरिया, ओपन स्पेस का क्लियरेंस किचन दिया, रूम भी रहेगा और कॉर्नर पर किचन भी रहेगा। अगर आप चाहते हैं तो ये देखिए जो मैंने लेटरिन और बाथरूम दिया है, यहाँ पर दो डोर दिए हैं, आप इस किचन इसे बेडरूम से भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये जो फ्रंट में बेडरूम है या शॉप है इससे भी आप इस पर जा सकते हैं और इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका किचन हो गया, सॉरी लेटरिन और बाथरूम हो गया, ये आपका किचन, ये एक बेडरूम भी है उसी में कम्बाइंड, और फ्रंट में एक शॉप और एक बेडरूम है, और ये आपकी स्टेयर्स हो गए। तो ये वेल डेकोरेटेड है 15 क्रॉस 20 का, अगर आपके पास ये जगह है तो बहुत ही बेहतरीन और स्टाइलिश प्लान है। तो ये तो इसका ग्राउंड फ्लोर हो गया, अब हम बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर की। तो फर्स्ट फ्लोर पर आप जैसे स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर आएंगे तो सेम टू सेम पीछे वाला पोर्शन सेम ही है, वही बेडरूम, वहीं पर आपका किचन, अगर आप किचन हटाना चाहते हैं तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, और आपका ये लेटरिन बाथरूम आपको रखना ही पड़ेगा। जैसे हम यहाँ से आते हैं, इस डोर से आपको एंट्री करेंगे सबसे पहले इस बेडरूम में, इस वाले डोर से, और इस बेडरूम में आप ये ओपन स्पेस में आ जाएंगे। ये देखिएगा जहाँ पर मैंने 3 फीट का अप्रॉक्स रेलिंग डिज़ाइन किया है, और फ्रंट में ये एज अ लुक राउंड कलर का रेलिंग डिज़ाइन किया है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो ये आपका एक बालकनी टाइप का भी इस्तेमाल कर पाएंगे इन दोनों चीज़ों को। ये ओपन स्पेस रखा है मैंने, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ एक बेडरूम जैसे कि नीचे ग्राउंड फ्लोर पर वैसा सेम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो इसका हो गया फर्स्ट फ्लोर। अब बात करते हैं इसके हम लास्ट फ्लोर की। तो लास्ट फ्लोर पर मैंने फिलहाल कोई डिज़ाइन नहीं किया, चारों तरफ बाउंड्री है और वही रेलिंग और बालकनी मैंने डिज़ाइन कर दिया है, और ये छत बना दी है जिसमें जिसमें आपका जो भी बारिश होता है आपका पानी नीचे तक ना जाए, जो स्टेयर्स में जगह होती है इसको गुमटी भी बोलते हैं, आप यहाँ पर अपना टंकी वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा 15 क्रॉस 20 का हाउस प्लान था जो हमारे एक सब्सक्राइबर थे उनके कहने पर डिज़ाइन किया। तो ये पूरा मॉडल
था मैंने जो आपको डिस्कस किया, आप चारों तरफ से देख सकते हैं, इसका साइड से व्यू ऐसा दिखने वाला होता है। ये कलर जो मैंने किया दोस्तों पिंक कलर का, ये आप पर डिपेंड करता है आप कलर कैसा करना चाहते हैं और आपको जो भी कलर पसंद हो उस अकॉर्डिंग अपने कलर को चूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर दो फ्लोर, तीन फ्लोर पर ग्राउंड फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर मैंने डिज़ाइन किया 15x20 में। अब हम बात करते हैं कि ये किनके कहने पर डिज़ाइन किया है, चलो मैं उनका नाम आपको दिखा देता हूँ, उन्होंने कमेंट किया था। देखिए दोस्तों सब्सक्राइबर हैं हमारे जिन्होंने हमें कमेंट करके बताया था। अभी देखिए, हेलो सर, आप 15x20 की कॉर्नर की शॉप का मैप बता सकते हैं प्लीज़ सर, मैं आपके सारे वीडियोज देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं आयुषी अग्रवाल जी हैं, इन्होंने हमें कमेंट किया था, तो वही का मैंने एक कॉर्नर का प्लॉट इन्होंने लिखा है तो इसलिए मैंने बता दिया ये कॉर्नर ही है। आप फ्रंट में और साइड में रोड रखें और ये जो शॉप है आप इसको यहाँ पर एज आ यहाँ पर विंडो, अपना विंडो वगैरह लगा सकते हैं। और यहाँ पर जो मैंने किचन पीछे आपको डिज़ाइन किया था, यहाँ पर अगर आपका कॉर्नर का तो बहुत ही बेहतरीन, आप यहाँ पर भी एक विंडो लगा सकते हैं जिसमें वेंटिलेशन का कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों ये मॉडल कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर आपका कोई भी रिक्वायर्ड मॉडल है तो हमें कमेंट करें और इस चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप हमारे फेसबुक पेज से अभी तक आप जुड़े नहीं हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें और इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें। और ये वीडियो अगर आप इंस्टाग्राम या ट्विटर पर भी वॉच कर रहे हैं तो वहाँ भी इसे शेयर कर सकते हैं। और साथ साथ आपका कोई भी रिकमेंडेड मॉडल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारी पेड सर्विस का भी यूज़ कर सकते हैं जिसका नंबर मैंने व्हाट्सएप पर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी घर वगैरह जो भी डिज़ाइन करवाना होगा वो वहाँ पर मैं डिज़ाइन करने वाला हूँ। तो जो आज का टॉपिक था यही था, कैसा लगा हमें कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें, साथ साथ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर आपने अभी तक इस स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।